अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम माय चैनल किड्स एंड लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ फेशियल हेयर के बारे में। ये हम सबको बहुत परेशान करते हैं, स्पेशली जो हमारी अपर लिप होती है ना, ये बहुत परेशान करती है। इसके लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना, हमें जाना है अपने किचन में, और किचन से लाना है आटा जो हम सबके किचन में होता है, बेसन एंड हल्दी और रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध। तो फिर ये चीज़ों की ज़रूरत होगी। मैं दो रेमेडी आपको बताऊंगी, एक में आपको फिटकरी की भी ज़रूरत होगी, मैं आगे बताऊंगी क्या करना है उसके लिए। सबसे पहले लेना है हमें एक 1 टेबल स्पून, ये देखिए आटा, 1 टेबल स्पून बेसन, 1 पिंच बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, इतनी सी एकदम, और कच्चा दूध। ये इतना ले लेंगे कि हमारा पेस्ट ईज़ली तैयार हो जाए। इसको बना लेंगे हम अच्छे से। पहले ज़माने में, जैसे हम अभी से थोड़ा सा वक्त पहले जाएं, तो हमारी नानी दादी जब हमारे घर में बच्चे होते थे तो उनको खूब लोइयाँ फेरी जाती थी। क्यों फेरी जाती थी भाई? वो इसीलिए फेरी जाती थी कि बच्चे के से हेयर रिमूव हो जाएं। और दूसरा, जब लड़की की शादी होने वाली होती थी तो उसको खूब उपटन मला जाता था, खूब उसकी देखरेख होती थी। तो क्यों होती थी? क्योंकि इससे हमारी स्किन बिल्कुल चमक उठती है उपटन मलने से, और हमारे जो हेयर होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो हम वीमेंस की तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई, ये जो हेयर आए दिन फिर से बढ़ गए। तो ये जो मेरी दो होम रेमेडी है, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी होम इससे बहुत जल्दी आपके हेयर जो है रिमूव हो जाएंगे। ज़्यादा मतलब आपको, अगर आपकी हेयर ग्रोथ कम है तो आपको 2 से 3 महीने लगेंगे, अगर ज़्यादा हैं, आपके बाल हार्ड हैं, तो आपको 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन अगर, यकीन मानिए, इसको आप अप्लाई करेंगे तो ये असर करेगा। ये नहीं मैं कहूँगी कि एक बार आपने अप्लाई किया और ये बिल्कुल आपको बिल्कुल रिज़ल्ट मिल जाएगा। इसको आप अप्लाई करना होगा, इसको 2 से 3 बार हफ्ते में अप्लाई करें। आप अगर आपके पास टाइम है तो रोज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे 2 से 3 बार भी अप्लाई करेंगे 2-3 महीने तक लगातार, तो आपको इसका फ़र्क दिखेगा। तो इसको मैं अप्लाई करने वाली हूँ। मैंने पहले से अप्लाई करके रखा हुआ था, ये देखिए आप इसको इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। मैंने पहले से अप्लाई करके रखा हुआ था ताकि ये अच्छे से सूख जाए। देखिए इसमें क्रैक्स आने स्टार्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसको यूँ करके नीचे से ऊपर की तरफ यूँ करके मसाज करूँगी। इससे होती है हमारे हेयर की जो अंदर की जड़ें होती हैं वो वीक हो जाती हैं। इससे मैं अच्छे से आप यूँ करके मसाज करके इसको बिल्कुल रिमूव कर देंगे। इससे आपकी अच्छे से मसाज भी हो जाएगी, यूँ करके रिमूव कर देंगे। इससे देखिए कितने अच्छे से आपकी स्किन अच्छे से मसाज हो रही है। ये मेरा थोड़ा सा गीला था, अगर आप थोड़ा सा और इसको सूख जाने देंगे, अच्छे से क्रैक्स आ जाएंगे, बिल्कुल सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो ये और ईज़ली निकलेगा और आपके जो हैं हेयर वो रिमूव हो जाएंगे। इसको ये नहीं कि आपने पहली बार लगाया उसके बाद सोचा अरे ये तो रिमूव हुए नहीं, क्या फालतू की रेमेडी बताई है। इसको आपको रेगुलर फॉलो करना होगा। इस तरह से आप करके अपनी स्किन से निकाल देंगे इसको। ये हमें हमारे जो हेयर की ग्रोथ होती है ऊपर से नीचे की तरफ, हमें क्या करना है, उल्टी तरफ इसको करना है, नीचे से ऊपर की तरफ, यूं करके अच्छे से। इसको चाहें तो आपके जहाँ फेशियल हेयर हैं वहाँ लगाएं, या तो पूरे फेस पे भी लगा के अच्छे से इसको कर सकते हैं। इस तरह से करने से ये देखिए साफ़ हो रही है, हमारी स्किन भी साफ़ हो जाएगी, क्योंकि इसमें है हल्दी, इसमें है बेसन, इसमें है कच्चा दूध, इसमें है आटा, ये सब इस हेयर रिमूव करने के साथ साथ इस स्किन को भी ग्लोइंग करते हैं। ये देखिए अच्छे से साफ हो गई है। अब इसको नॉर्मल वाटर से हम वॉश कर लेंगे, पहले रिमूव अच्छे से कर लेंगे, पहले अच्छे से छुटा लेंगे, उसके बाद इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब जो दूसरी मेरी चीज़ है वो है, ये है फिटकरी। ये भी होती है बड़ी काम की। ये जो फिटकरी है ना, इसको आप किसी भारी चीज़ से पहले पीस लें, मतलब भारी चीज़ से तोड़ लें, उसके बाद ब्लेंडर में अच्छे से पीस लें, फिर आपको ये बिल्कुल इस फॉर्म में तैयार दिखेगी। सॉरी मेरा स्पून हो गया है गंदा।
इस फॉर्म में बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल नमक जैसे तैयार हो गई है, दिख रही है आपको इस तरह से। तो हमें अपनी दूसरी रेमेडी में क्या करना है, हमें लेना है 1 टेबल स्पून फिटकरी, ये देखिए 1/2 टेबल स्पून फिटकरी ले लेंगे, बेसन का आटा ले लेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है कि अपर लिप पे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, उस हिसाब से हम इसको बना लेंगे। और अगेन कच्चा दूध, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। इसको भी सेम उसी मेथड में अप्लाई करना है, हम इसको कर लेंगे अपने स्किन पे अप्लाई इस तरह से। थोड़ी मोटी लेयर लगानी है, इसकी भी उसकी भी थोड़ी मोटी लगाएंगे, जिससे कि अच्छे से, बहुत महीन पतली नहीं लगानी है, ठीक। लगा लेंगे, अब इसका इंतज़ार करेंगे थोड़ा सा ड्राई हो जाने का। जब ये ड्राई हो जाएगा तो हम इसको उसी तरह, जैसे मैंने पहले वाला बताया था, उसी तरह इसको नीचे से ऊपर तरफ यूं करके अच्छे से मसाज करके, यूं यूं करके, इससे आपकी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन भी तेज़ हो जाएगा और आपकी स्किन ग्लोइंग होगी, और साथ ही साथ थोड़ा स्क्रब भी होता चलेगा, मसाज भी होता चलेगा। तो भाई घर पे बैठे बैठे इससे आसान तरीके से हेयर रिमूव कैसे करा सकते हैं, इससे कोई भी रेडनेस नहीं आएगी स्किन में, आप इसको जल्दी जल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं होगा। इस तरह से करने के बाद हम इसको नॉर्मल टैप वाटर से क्लीन कर लेंगे, कोई भी रेडनेस नहीं आई, किसी भी तरह का पेन नहीं हुआ हमको, हमारी स्किन गई है चमक, ट्विं ट्विं देखा हमारी स्किन गई है चमक। अब आगे हमें क्या करना है, अगर हमारे पास जॉनसन्स बेबी लोशन है तो उससे हमें मसाज कर लेना है, अपनी स्किन पे अप्लाई कर लेना, जिससे मॉइस्चराइज हो जाए। आपके पास कोई और अच्छी मॉइस्चराइज़र क्रीम है तो उसको अप्लाई कर लें। तो इस तरीके से ये दो रेमेडीज़ आपको 3 to 4 मंथ आपकी हेयर ग्रोथ के हिसाब से अप्लाई करें, और उसके बाद आप रिज़ल्ट देखेंगे, आपको इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू अगेन।